या क्या आपको पता है पब और बार में लाइट्स डिम क्यों होती हैं और इससे पब और बार वालों को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है? और क्या आप ऐसे कुत्ते के बारे में जानते हो जो करोड़ों रुपए की कमाई करता है? नहीं। और हम जानेंगे कि आखिर ब्लैक चार्जर किस तरह से व्हाइट के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नंबर वन, दोस्तों आपने भी एलपीजी सिलेंडर तो देखा ही होगा और सोचा होगा कि आखिर ये रेड कलर के ही क्यों होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, रेड कलर को खतरे के संकेत के रूप में देखा जाता है। एलपीजी सिलेंडर में भी एक बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए उससे भी खतरा होता है। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए गैस सिलेंडर को रेड कलर से पेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर साइंस की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड कलर के लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसके चलते रेड कलर दूर से ही नजर आने लगता है। यही वजह कि खतरनाक चीजों को दूर से स्पॉट किया जा सके, इसलिए उन्हें रेड कलर से पेंट किया जाता है। नंबर टू, चलिए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। वैसे तो हर चीज होती है जो एक्सपायर हो ही जाते हैं, लेकिन हम आपको तीन ऐसे चीजों के बारे में बताएंगे जो एक्सपायर होने के बाद भी यूज करने के लायक होती है। नंबर वन, विनेगर। सिरके का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। ये अचार में भी डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले। इसके अलावा सिरके वाले प्याज खाने में बहुत ही स्वाद होती है। विनेगर की एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद भी इसे आप यूज कर सकते हो। नंबर टू, शुगर। चीनी का इस्तेमाल भी लंबे समय तक किया जा सकता है। कई बार आपको चीनी के पैकेट पर भी 2 साल तक की एक्सपायरी डेट लिखी मिल जाएगी, लेकिन अगर इसे सही से किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाए तो ये सालों तक चलती है। और नंबर थ्री, पास्ता। अगर पास्ता को सही तरीके से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाए तो ये सालों तक चलता है। बस ध्यान में ये बात रखा जाए कि इसमें कीड़े न लगने पाए। नंबर थ्री, अब बात करते हैं कि पब और बार में लाइट डिम क्यों होती है और इससे कमाई का क्या कनेक्शन होता है। 70 के दशक में डॉक्टर जॉन फ्लिन ने रोशनी और इसके मनोवैज्ञानिक को लेकर एक रिसर्च की। उन्होंने इस रिसर्च में समझा कि कोई इंसान कैसा रिएक्ट करेगा यह उस समय उसकी लाइट और वहाँ के माहौल पर डिपेंड करता है। रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि बार पब में घुसने पर किसी भी शख्स को पहला इंप्रेशन वहाँ की रोशनी और माहौल का ही पड़ता है। बार में कम रोशनी होने का एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है कि इंडियंस अक्सर शराब को रात में ही पीते हैं। बार या पब की कम रोशनी में लोगों को रात के उसी माहौल को महसूस करने में मदद करती है। वहीं रोशनी ये भी तय करती है कि लोग वहाँ कितना वक्त बिताएंगे। ऐसे में जब लोग कम रोशनी वाले सुकून भरे माहौल में होते हैं तो वे ज्यादा वक्त बिताते हैं और ज्यादा शराब भी ऑर्डर करते हैं। कई स्टडीज में साबित हो चुका है कि बार पब जैसे जगहों की रोशनी का सीधा असर उनके बिजनेस और कमाई पर ही बहुत ज्यादा पड़ता है। जब आप किसी महंगे फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर वहाँ की रोशनी डिम होती है। इन रेस्टोरेंट का मकसद ग्राहकों को ज्यादा देर तक रेस्टोरेंट में रोकना होता है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा महंगे ऑर्डर दे सकें। नंबर फोर, और अब चलिए जानते हैं ऐसे डॉग के बारे में जिसे जानने के बाद आप भी बोलेंगे काश मैं कुत्ता होता। बोधी नाम का एक ऐसा कुत्ता है जिसके ओनर ने सिर्फ टाइम पास में इसे एक अच्छे से मेंस वियर पहना दिए और उसकी फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और भैया, देखते ही देखते ये पिक्चर वायरल हो गई और आज न्यूयॉर्क के बड़े डिजाइनर्स इस डॉग को मॉडल के तौर पर साइन कर चुके हैं और ये कुत्ता एनुअली 50 करोड़ तक की कमाई करता है। अब सब क्या देखना पड़ रहा है। नंबर फाइव, और अब हम जानेंगे कि ब्लैक चार्जर किस तरह व्हाइट कलर के चार्जर से ज्यादा बेटर होता है। जब शुरुआत के फोन्स बनाए जाते थे तब उनके साथ सिर्फ ब्लैक कलर के चार्जर दिए जाते थे। आपने भी नोटिस किया ही होगा, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने फैशन के चलते क्वालिटी को कम्प्रोमाइज करना स्टार्ट किया, वैसे ही मार्केट में व्हाइट कलर के चार्जर आने लगे। और इसके पीछे का रीजन कंपनियों ने ये बताया कि देखने में ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही यूजर्स इसे अंधेरे में आसानी से ढूंढ पाएंगे, लेकिन व्हाइट चार्जर्स ब्लैक के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होते हैं। आप भी पूछोगे इसके पीछे क्या ही लॉजिक हो सकता है, लेकिन भैया रुको, सबर करो। इसके पीछे की मिस्ट्री यह है कि जब ब्लैक चार्जर गर्म होता है तो ऊपर से वो भले ही गर्म हो लेकिन अंदर की गर्मी को ब्लैक कलर जल्दी से बाहर निकाल देता है और कंपोनेंट्स जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन व्हाइट कलर के चार्जर्स ये काम अच्छे से नहीं कर पाते जितना अच्छे से ब्लैक कलर का चार्जर करता है, और इसीलिए ब्लैक कलर के चार्जर से हमें फोन को चार्ज करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कॉमेंट में बताना जरूर और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।